छठ पर्व की तैयारी को लेकर पूरे जिले में हर्ष का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 2 में भी छठ पर्व को लेकर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि व्रतधारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं इन व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने ग्रैंड न्यूज से जानकारियां साझा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर 2 तालाब अपनी छठ पूजा के लिए नाम से जाना जाता है और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। इस बार भी छठ पूजा में हम लोगों ने इस तालाब को और भी मतलब इसका आयोजन और भी भव्य तरीके से करने का मतलब किया है। इसके लिए पूरा श्रेय हमारे जो महापौर हैं नीरज पाल भैया, विधायक श्री देवेंद्र यादव भैया और इसके साथ ही BSP प्रबंधन का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, जो कंटिन्यूस उन्होंने तालाब में जो पानी का स्वच्छ पानी की जो व्यवस्था है उनके थ्रू किया गया है। नंदन वार सर को उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस बार जो है पहले बार से और ज़्यादा भव्य और ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से करने का कोशिश किया गया है। और चूँकि मैं खुद व्रत करती हूँ, मेरा ये जन प्रतिनिधि बनने के बाद पहला साल है, बाकी मैं 10 साल से इसी तालाब पर छठ करती आई हूँ और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ही हमारे जो DY टीम है जिसमें हरीश भैया हैं, अभिषेक अवस्थी भैया हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस तालाब को छठ पूजा का आयोजन भव्य बनाने का कोशिश की। सेक्टर 2 वासियों को छठ पर्व की बधाई। हार्दिक, हाँ, सबसे पहले तो सेक्टर 2 वासियों को सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है और पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी टीम विधायक देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे सेक्टर 2 छठ तालाब की पूरी तैयारी, सुविधा और जितने भी इंतजाम हैं वो कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि पिछले बार से और भी अच्छा कर सकें और इसलिए यहाँ पे साज सजावट में कुछ बदलाव किए गए हैं और व्रतधारियों की जो इतना बड़ा व्रत, कठिन व्रत होता है, उनके लिए स्वच्छ जल जो तालाब से पुराने खराब पानी को निकाल के एक स्वच्छ जल भरा जा रहा है और ये जल भरा जा रहा है BSP प्रबंधन के सहयोग से, जिसमें मैं CGM सर नंदनवार सर का बहुत बहुत आभारी और हमारी पूरी टीम उनकी आभारी है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को इस तालाब के लिए पानी भरने के लिए लगाया और भी जो बिजली विभाग से उन्होंने जो भी यहाँ पर सुविधाएँ मुहैया करा सकते थे उन्होंने पूरी कराई है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे थे उसके लिए हम आदरणीय लक्ष्मीपति राजू भैया के लिए भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने निगम की तरफ से हमें कुछ भी कभी होने नहीं दी है और हमारे माननीय महापौर उन्होंने भी समय समय पे हमें इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला है और हमारी टीम दिन रात यहाँ पर इस आयोजन को सफल करने में लगी हुई है और यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं पूरी साफ़ सफाई, पूरी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि व्रतधारियों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और भी कुछ चीज़ें फैलाई जा रही हैं उस पर ना आके आप सभी व्रतधारियों का यहाँ पर स्वागत है।